नमस्कार। कभी आपने ऐसा सुना है कि शादी के 15-20 साल होने के बाद वो विवाह टूट जाए? कभी आपने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति ने जीवन में सबका भला करने की कोशिश की और किया भी, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन उसको सब जगह से परेशानी मिले, चाहे वो अपने बच्चों से हो, चाहे वो अपनी बीवी से हो, चाहे वो अपने किसी भी रिश्तेदार से हो, वो परेशानी मिले? कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी की कुंडली के अंदर बहुत अच्छे ग्रह बैठे हों, लेकिन उसका लाभ उसको ना मिल रहा हो, बल्कि वो उसकी पीड़ा को बढ़ाने में काम कर रहे हों? आइए मैं आपको जो है वो ये सारी बातें एक केस स्टडी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो का जो बेसिक पर्पज है वो ये है, वो बताना कि कुंडली के अंदर यदि उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और जब उच्च के ग्रह परेशानी देने की चेष्टा करते हैं तो कोई उसका उपाय काम नहीं करता, यानी कि वो परेशानी देकर ही रहते हैं। मेरे पास एक सज्जन आए थे और उन्होंने अपनी कुंडली मुझे दिखाई, क्योंकि जितने भी वो प्रयत्न कर रहे थे, जितने भी वो प्रयास कर रहे थे, वो कामयाब ही नहीं हो रहे थे। सज्जन की जो डेट ऑफ बर्थ थी है वो है 6 मार्च 1975, सुबह 6:20 का कानपुर का जन्म है उनका। कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो उच्च का है, कुंडली में मंगल जो है वो उच्च का है, और कुंडली के अंदर दो दो राजयोग हैं। पैसा तो ठीक है उनके पास, प्रयास भी बहुत अच्छा किया जीवन के अंदर, लेकिन उनको बहुत परेशानी अनुभव करनी पड़ी। आज जबकि विवाह को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, तब विवाह जो है वो टूटने की कगार पे है। दूसरी बात यह है कि जो पैसा अब तक कमाया, जिस राजयोग की मैं चर्चा कर रहा था, वो पैसा भी हाथ से जा रहा है, टिकेगा नहीं उनके पास। बच्चे भी वो है उस सज्जन के साथ नहीं है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये सज्जन जो है, इनके जो उच्च के ग्रह थे, उच्च के तो थे, लेकिन काम अब रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल है, वो शायद आप जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हो, कि अगर कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो अपने मूल त्रिकोण राशि को खराब कर देता है। अब जैसे इनकी कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो उच्च का है, तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि होती है, तो तुला राशि जहां पर भी आती है, जिस भाव में आती है उसको खराब करता है, और इंसिडेंटली वो इनके नवम भाव में आती है, यानी फेट को ही गड़बड़ कर रहा है। सूर्य कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव का अधिपति है, वो लगन में बैठा हुआ है, जो कहता है कि विवाह जो हुआ होगा वो मनमति से हुआ होगा, जानकारी में हुआ होगा, इसको हम लव मैरिज कह सकते हैं। जी हाँ, लव मैरिज हुई उनकी। लेकिन केतु और राहु ने खेल बिगाड़ रखा है। केतु 4th हाउस में है और राहु 10th हाउस में है, और जो बात अति गंभीर है वो ये है कि जो सपोर्टिंग चार्ट्स हैं उसके अंदर जो परेशानी है वो और विकराल, यानी कि और बड़ी हो रही है, वो छोटी नहीं हो रही। इस कारण से डिवोर्स होके ही रहेगा। अब ये सज्जन मेरे पास सॉल्यूशन के लिए आए थे, तो मैं कुछ ये जो चीजें पढ़ी उनको मैंने समझाने की कोशिश की और ये बताया उनको कि पहली बात, जो पुत्र मोह है वो हटा दें, नहीं आएगा, अभी भी नहीं, वो जब 40-42 साल का होगा तब आएगा। यस, तो अभी आपको वो, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो आपका दायित्व था, ऐसा समझ लीजिए। दूसरी बात, इस वाइफ के साथ आपकी बनेगी नहीं, आपका जो लग्न है वो कुंभ लग्न है। जब लग्न कुंभ होता है तो सप्तम भाव पे जो राशि आती है वो सिंह की आती है, लियो साइन आता है। आपस में बनना बड़ा मुश्किल काम है, एक बार ठनक जाए तो फिर निपटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, और यही बात जो है वो मैं सबको बताता हूं कि आपका जो चार्ट है उसके अंदर आगे की चीजें छुपी होती हैं, सिर्फ देखने के लिए एक महीन रोशनी चाहिए होती है कि वो चीजें हैं क्या। उनको मैंने बताया कि आप जो हैं इस संबंध से बाहर आइए, मत डरिए, वकील के पास जाइए, नोटिस भिजवाइए, अलग अलग हो जाइए, साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, और उसके बाद पुनर्विवाह कीजिए, दोबारा विवाह कीजिए, नवम भाव स्ट्रांग है ना। दूसरी बात, जब आपको पता है कि आपका इतना नुकसान हो जाएगा, तो फिर आप जो हैं ये एक बिजनेस का पार्ट समझते हुए आगे को धन कमाने के लिए या आगे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रयास करना आरंभ कर देंगे।
जो कि किसी ना किसी परेशानी में उलझे हुए हैं, और ये सोचते हैं कि कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा या उसके बाद ठीक हो जाएगा, या फिर कोई डिसीजन लेने में संकोच ही कर रहे हैं, तो कृपया करके अपनी कुंडली का पाठन करवा लीजिए। मत खुश होइए कि बहुत सारे ग्रह पॉजिटिव हैं, मत दुखी होइए कि बहुत सारे ग्रह नेगेटिव हैं। हो सकता है कि पॉजिटिव ग्रह ही आपके पीछे पड़े हों, उच्च के ग्रह या स्वग्रही ग्रह ही आपके पीछे पड़े हों, और हो सकता है कि जो नीच के ग्रह, जिनको आप समझते हो कि ये आपको कोई प्रॉफिट देने वाले नहीं है, वो ही आपके काम आ जाएं। कुंडली का सही समय पर निरीक्षण करवाना इसीलिए नितांत आवश्यक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास आ जाए। कोई आपके मन में शंका हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। जैसे मैंने कोई बात बताई कि उच्च के ग्रह खराब होते हैं, मान लीजिए, तो कहाँ लिखा है? अगर आपको जानना हो तो आप लिख दीजिए, मैं बता दूंगा कि कहाँ पर, उस किताब पर, उस पृष्ठ पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं यदि कोई बात कहता हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कहीं पर वो लिखा होता है, और ऐसा नहीं कि किसी छोटी मोटी किताब के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथों से ही लेकर आता हूँ बात। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।